नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रुहेलखंड समाचार। इस समय उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश में आजम खान और मुलायम सिंह के बाद उन दोनों मैनपुरी और रामपुर में सीटें खाली हो गई थी। वहीं चुनाव आयोग ने एक फरमान जारी कर दिया है, यानी कि चुनाव उपचुनाव की घोषणा की है मैनपुरी और रामपुर के लिए। रामपुर में और मैनपुरी में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने आज तिथियां घोषित की हैं। क्या तारीख है, क्या पूरी जानकारी है, चुनाव आयोग ने क्या कहा है, कैसे चुनाव होगा और कब इसका रिजल्ट आएगा, इसी सब कुछ जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं विपिन शर्मा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। विपिन जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, आ रही है आवाज़। विपिन जी, आपका रुहेलखंड समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। विपिन जी, आज जो चुनाव आयोग ने घोषणा की है वो पूरा पूरे देश में की है या रामपुर या उत्तर प्रदेश के दो जगहों को लेकर की है? हेलो, हेलो। हाँ विपिन जी, जो उपचुनाव की घोषणा हुई है वो किन किन जगहों के लिए हुई है? आज जो उपचुनाव का ऐलान किया है आयोग ने, तो उसमें बिल्कुल अभी तक जो तैयारी चल रही थी रामपुर में, तो रामपुर में कोई भी पार्टी इस बात पर अभी तक तैयार नहीं थी कि इतनी जल्दी चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। चुनाव कार्यक्रम आयोग जारी कर देगा। सभी लोग जो है मुतमईन थे कि जिस तरह से 2019-2020 में इनकी अब्दुल्ला आजम की सीट रिक्त हुई थी, उसके बाद में चुनाव नहीं हो पाया था, तो ये लग रहा था कि हाँ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई ना कोई ऐसा केस फंसेगा कि चुनाव संभव तक चलेंगे। लेकिन आज इस तरह से आनंद फानंद में आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी, चुनाव का कार्यक्रम जारी हो गया, तो उससे जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, बीएसपी हो, तो सभी में एक तरह से बेचैनी उथल पुथल की स्थिति पैदा हो गई है और अपने अपने जो दावेदार थे वो अब टिकट के लिए प्रबल दावेदारी अपनी जताने लगे हैं, जोर शोर से जाकर शुरू हो गई है। विपिन जी, ये तारीख कौन सी उपचुनाव जो होने हैं यूपी में मैनपुरी और रामपुर में, उनकी क्या तारीख है और उसका परिणाम कब तक आएगा? देखिए, जो मैं कार्यक्रम देख रहा हूँ आयोग की साइट पर, तो उसमें नामांकन जो है 17 नवंबर तक नामांकन होना है। 10 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 17 नवंबर तक नामांकन होगा। 18 नवंबर को इसकी जांच होगी नामांकन पत्रों की और 21 नवंबर तक जो है वो विड्रा किए जा सकते हैं। अगर कोई नाम वापसी लेना चाहता है चलिए, तो 21 नवंबर को नाम वापस लिया जा सकता है। 21 नवंबर को ही दोपहर बाद जो है उसको टिम्बर अलॉट कर दिए जाएंगे निर्वाचन कार्यालय की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से। और उसके बाद में 5 दिसंबर, यानी आज हम लोग 4 नवंबर को बैठे हुए हैं, आज हम आपकी गिनती के एक माह बाद जो है रामपुर में मतदान होगा और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी और 8 दिसंबर को ये क्लियर होगा। विपिन जी आप रामपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी अपनी पहचान है, एकदम ये सब कह नहीं सकते होच पोच में हो गया, लोग अभी आस लगा के भी बैठे थे कि कब चुनाव होगा, कैसे चुनाव होगा, और एकदम चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए उपचुनाव की तारीख घोषणा कर दी, यहाँ तक अभी पार्टी तैयार भी नहीं है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, चुनाव को लेकर सरकारी मशीनरी जो है वो हमेशा तैयार रहती है, उनकी सारी तैयारियां कंप्लीट रहती हैं। एनी टाइम कभी भी अगर आयोग अधिसूचना जारी करता है तो एक माह का वक्त तो उसमें रहता ही है, तो मैं नहीं समझता कि हाँ कहीं कोई झोल रहेगा। और बाई इलेक्शन होता है, तो क्योंकि एक सीमित दायरे में इलेक्शन होता है, सीमित सीट पर इलेक्शन होता है, तो ना तो सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई अड़चन पैदा होती है और ना ही कहीं ज्यादा दिक्कत होती है। प्रशासन के पास में अपराध भी पर्याप्त होते हैं, ड्यूटी के लिए कर्मचारी भी पर्याप्त होते हैं और सुरक्षा व्यवस्था के लिए फोर्स भी पर्याप्त होती है। नहीं विपिन जी, मैं प्रशासन की बात नहीं बल्कि जो राजनीतिक दल हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो अभी उनकी तो तैयारी भी नहीं थी। हाँ, राजनीतिक दलों की अभी तक कोई इस तरह से तैयारी नहीं थी, जिस तरह से आनंद फानंद में जो अधिसूचना जारी हुई है और आनंद फानंद में ऐलान हुआ है तारीखों का, तो राजनीतिक दलों में वाकई एक उथल पुथल की स्थिति पैदा हुई है और तमाम चीजें तय होती है कि हाँ आखिर प्रत्याशी कौन होगा, तो ये भी अभी असमंजस की स्थिति है, तो जी जी क्लियर होंगी लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा। विपिन जी, आपने रुहेलखंड समाचार को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहरहाल, जहां चुनाव आयोग ने इन तिथियों की घोषणा कर दी है, वहीं उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, अभी ये लोग पूर्ण तरह से तैयार भी नहीं थे, लेकिन उपचुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए 5 दिसंबर चुनाव की डेट रख दी है और वहीं 8 तारीख को इसकी रिजल्ट की घोषणा की है। देखना होगा कि
रामपुर से और मैनपुरी से जो प्रमुख दल हैं वो कौन कौन से प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारते हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रॉयल खंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।